माँ एक ही होती है। सिंह परिवार में लीलावती अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। बड़े बेटे का नाम था सुरेश और छोटे का नाम था अनुज। सुरेश तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, पर अनुज अभी कॉलेज स्टूडेंट था और पूरी तरह से अपनी माँ और भाई पर डिपेंडेंट था। माँ, मेरे मोजे कहाँ है? एक काला वाला मिला और एक सफेद वाला, इनकी जोड़ी कहाँ है? मेरा कोई भी सामान सही टाइम पे नहीं मिलता। अरे रुक जा, आती हूँ। तू अपना सामान एक जगह रखा करना, तभी एक जगह मिलेगा तुझे। तू तो आते ही सारा सामान इधर उधर फेंक देता है। अच्छा ठीक है, लेकिन फिलहाल मोजे तो दे दो, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी करो ना माँ। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है अनुज? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है इस लड़के ने? अरे मेरे मोजे नहीं मिल रहे, मुझे देर हो रही है, रोज मेरे मोजे गायब हो जाते हैं। अरे चिल्लाना बंद करो, अभी मिल जाएंगे। जरा सी कोई बात हो, तुम तो दूध पीते बच्चे की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हो। थोड़ा सब्र तो रखो, देख कर देती हूँ ना। लेट हो रहा है तो थोड़ा जल्दी उठा कर, लेकिन तू तो एकदम टाइम से उठता है, तो होगा ही ना लेट। माँ बाद में डांट लेना, अभी मोजे दे दो वरना सर मुझे क्लास से बाहर कर देंगे। लीलावती और सुरेश मिलकर अनुज के मोजे ढूंढते हैं और वो मोजे उन्हें अनुज की ही दूसरे जूतों में मिल जाते हैं। ये लो पकड़ो अपने मोजे, ध्यान रखा करो कि कहाँ रखे हैं। ये तुम्हारे जूतों में ही थे, अब ऐसे ही कहीं फेंक देगा तो अगली बार फिर से ढूंढना पड़ेगा। एक जगह बना ले, वही रखा कर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। चल अब फटाफट तैयार हो जा और कॉलेज जा, वरना मुझे ही बोलेगा मेरी वजह से लेट हो गया। खाने में क्या है माँ? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से परोस दो ना। आलू गोभी, बस दो मिनट में परोस देती हूँ, आ जा। ना मैं आलू गोभी नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ अच्छा दो ना। ये क्या है आलू गोभी? अच्छा क्या होता है, है? सब्जी है, और क्या बना कर दूँ, तू ही बता दे। अच्छा मतलब, अच्छा मतलब पास्ता, आप मेरे लिए पास्ता ही बना दो। ओहो पास्ता, ठीक है मुझे 10 मिनट दे, मैं फटाफट बनाकर लाती हूँ। लेकिन अब ना मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तेरी भाभी आएगी तो उन्हीं से बनवाना ये पास्ता पास्ता, मुझसे इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं होता। अब तू अपना हुक्म ना अपनी भाभियों पे चलाना, वही बनाएगी तेरे लिए पास्ता पिज्जा। अरे माँ ऐसी बात ना करो ना, भैया कोई शर्म आ रही है। चुप कर बदमाश कहीं का, देख रहे हो ना माँ कितना शैतान हो गया ये, चुपचाप से कॉलेज जा वरना। वरना क्या, भाभी से शिकायत करोगे? लीलावती और सुरेश इसी तरह से अनुज की हर बात माना करते थे। कुछ वक्त बाद लीलावती एक अच्छी लड़की देखकर सुरेश की शादी करा देती है। आओ मंदिरा बहू आओ, तुम्हारा हमारे इस छोटे से परिवार में स्वागत है। अब से ये घर और मेरा परिवार तुम्हारा हुआ। संभालो अब सब। वेलकम भाभी वेलकम, आप आई तो बाहर आ गई हमारे घर में। अगर आपके आने से सबसे ज्यादा कोई खुश है ना तो वो है भैया। क्यों भैया, सही कहा ना मैंने? अरे शैतान, अब तो अपने भाई की टांग खींचना बंद कर दे। अरे बस भी कर माँ, देखो ना इसको, समझा दो इसको, मैं बड़ा भाई हूँ उसका, अब ये मेरी टांग नहीं खींच सकता। क्यों भैया, अगर मैंने टांग खींची तो क्या आप भाभी से डांट पड़वाओगे? क्या आप भी? देखा मेरी वजह से भाभी को हंसी आ गई, हूँ ना मैं घर का सबसे लाडला। मेरी वजह से आई है, और माँ सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। अरे माँ मुझसे प्यार करती है सबसे ज्यादा, और अब तो भाभी भी आ गई है। अरे बस करो तुम लोग, अपनी बातों में लग गए, और बहू बेचारी खड़ी हुई है। जा बहू कमरे में जा, कमरे में ले जाओ इसे, ताकि वो भी थोड़ा आराम कर ले। सॉरी सॉरी भाभी आइए ना। अनुज मंदिरा के आने से बहुत खुश था, उसने हमेशा सुना था कि भाभी माँ समान होती है, तो उसे यही लग रहा था कि उसे दूसरी माँ मिल गई है। लेकिन उसे क्या पता था कि वास्तविकता कल्पना से काफी दूर होती है। माँ, अरे ओ माँ कहाँ हो? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? सुबह हुई नहीं कि तेरा चिल्लाना शुरू हो जाता है।
भैया कहाँ है? मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे उनके जूते चाहिए। अरे होगा वो अपने कमरे में, और कहाँ होगा। कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर, जा उसके कमरे में जाकर पूछ ले। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मजाक ना उड़ाओ मेरा। अनुज भागता हुआ जाता है और सीधे सुरेश के कमरे में घुस जाता है। अरे भैया वो आपके, ये क्या बदतमीजी है बीवर जी, नौकर के आया करिए हमारे कमरे में, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि डायरेक्ट आप किसी के कमरे में चले जाए। अरे भाभी मैं तो, तुम्हारी भाभी सही तो कह रही है, ये तो छोटे बच्चों को भी पता होता है कि दूसरे के कमरे में नौक करके जाया जाता है। अब मेरी शादी हो गई है और इस कमरे में मेरे साथ तेरी भाभी भी रहती है, तो थोड़ा सोच समझ कर कमरे में आया कर। अब तू भी थोड़ा जिम्मेदार हो जा, कब तक ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है भैया मैं समझ गया, मैं तो बस आपके जूते लेने आया था, आगे से मैं ध्यान रखूंगा और कमरे में ना आवाज देकर ही आऊंगा। ठीक है, और तुझे जो भी जूते लेना है ले जा फटाफट। अनुज लटका हुआ मुंह लेकर सुरेश के कमरे से बाहर आता है। उसने आज पहली बार अपने भैया के मुंह से इस तरह की डांट सुनी थी, उसे बहुत बुरा लगता है और वो कमरे से निकल जाता है। क्या हुआ है? अभी तो बहुत खुश था, अब क्या हो गया कि तेरा मुंह लटक गया, क्या बात हो गई? माँ मैं भैया के कमरे में चला गया तो उन्होंने मुझे डांट दिया, वो भी भाभी के सामने। क्यों, तूने ऐसा क्या कर दिया वहाँ पर? मैं तो जैसे हमेशा जाता हूँ वैसे ही गया था बिना नॉक किए, तो भाभी ने मुझे टोक दिया और भैया ने भी मुझे बहुत डांटा। अरे बेटा ये तो गलत बात है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ना, अब तेरे भैया की शादी हो गई है, अब उस कमरे में सिर्फ वही नहीं तेरी भाभी भी रहती हैं। लीलावती के समझाने पर अनुज को समझ में आ जाता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन फिर अगले दिन, देवर जी, ओ देवर जी उठिए नाश्ता करिए, 7 बज गया है, देखिए सूरज सर पे आ गया है, उठ जाइए नाश्ता कर लीजिए। मेरी कॉलेज की छुट्टियां हैं और मैं तो 11 बजे के बाद ही उठता हूँ, अभी मुझे सोने दो, मैं अपने आप उठ जाऊंगा। ये गलत बात है, सुबह जल्दी उठना चाहिए और सबके साथ नाश्ता करना चाहिए, चलिए अब जल्दी से उठ जाइए। भैया देखो ना भाभी क्या कह रही है, आज तक तो मैं इसी टाइम पे उठ रहा था ना, अब जल्दी उठकर क्या करना है। तुम्हारी भाभी सही कह रही है, चलो उठ जाओ, जो अभी तक नहीं किया वो अब करो, और जल्दी उठने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, चलो उठ जाओ और नाश्ता करो हम सबके साथ। हाँ अनुज बार बार नाश्ता नहीं बनेगा बेटा, चल जल्दी उठ जा, तेरी भाभी को और भी तो काम होते हैं ना। पहले सब मेरी सुनते थे, भाभी के आने के बाद सब इनकी ही साइड ले लेते हैं, हद है यार, पहले मेरे आने जाने पे रोक लगा दी, अब मेरे सोने पे रोक लगा दी, अब उठना ही पड़ेगा। उठ रहा या बताऊं अभी, इस लड़के को एक बात में कुछ सुनाई नहीं देता क्या? माँ तुमने ना इसे बहुत बिगाड़ कर रखा है। अरे उठ रहा हूँ ना, 2 मिनट तो दो। अनुज का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन मजबूरन उसे उठना ही पड़ता है, और वैसे ही उठकर अनुज नाश्ता करने के लिए चला जाता है। लाओ 2 नाश्ता। अरे पहले फ्रेश होकर तो आइए देवर जी। क्या भाभी पहले आप नाश्ता दो ना, मैं खाने के बाद नहा लूंगा। लेकिन फिर अनुज पैर पटकता हुआ फ्रेश होने चला जाता है। क्या ये, जब से ये भाभी आई है अपना ही हुक्म चला रही है, न जाने माँ और भाई को क्या हो गया, सब सिर्फ भाभी की सुन रहा है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन अनुज अपने भैया से कहता है, भैया आज तो आप ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो क्यों ना हम लोग मूवी देखने चले, आप कब से कह रहे थे ना, तो चलो आज चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ फटाफट तैयार होकर आ जाओ, आज सब चलते हैं मूवी देखने, वैसे भी बहुत दिन हो गया हम सब कहीं एक साथ नहीं गए। अच्छा ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अनुज खुशी से कूदता हुआ तैयार होने चला जाता है, पर जब वो तैयार होकर वापस आता है तो, ये आप कहाँ जा रहे हैं, मैं परसों से आपसे अपने घर जाने को कह रही हूँ ना। लगता है आप भूल गए, मेरे घर जाना ज्यादा जरूरी है, आपको पता है ना। अरे हाँ मेरे तो बिल्कुल ध्यान से उतर गया था। ठीक है आज पहले तुम्हें तुम्हारे मायके लेकर चलता हूँ, मूवी बाद में कभी देख लेंगे, चलो तुम तैयार हो जाओ। आज समय है आज ही चल लो, नहीं तो कल को आपको फिर से ऑफिस जाना होगा, मूवी बाद में देख लेना कभी भी। हाँ ठीक है ना,
सॉरी अनुज, आज हम लोग मूवी नहीं जा पाएंगे, फिर कभी चलेंगे। आज तेरी भाभी को मायके लेकर जाना जरूरी है, हम मूवी के लिए बाद में चले जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई भैया, मैं पूरा तैयार होकर आ गया और अब आप मना कर रहे हो। भाभी को कभी और दिन लेकर जाना उनके घर, मूवी तो आज ही चलेंगे, घर तो कभी भी जा सकती है भाभी। अरे बात को समझा कर, अब तो बड़ा हो गया है, बच्चों वाली हरकतें मत करा कर, भाभी का घर जाना ज्यादा जरूरी है। सुरेश मंदिरा को लेकर उसके घर चला जाता है और अनुज बाहर खड़ा उनको जाता देखता रहता है। अरे अनुज क्या बात है, ऐसे उदास क्यों खड़े हो? अब तो तेरी भाभी भी आ गई, अब तो तुझे खुश होना चाहिए, भाभी के राज में मजे कर बच्चों। नहीं आंटी कुछ नहीं, मजे ही है वैसे तो। अच्छा तुम्हारी मर्जी, मत बता। वैसे तुम ना बड़े लक्की हो, तुम्हें इतनी प्यारी भाभी मिली है, सबसे प्यार से बोलती है, घर का ख्याल रखती है, ऐसी भाभी मिलना ना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे तो मजे हो रहे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं आंटी। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो। नहीं कुछ नहीं। लगता है अनुज तुम्हारे दिमाग में चोट लग गई है, कुछ नहीं करे जा रहे हो। ठीक है भाई मैं तो जा रही हूँ। पड़ोसन ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन और ऐसे ही गुजरते हैं और फिर अनुज का कॉलेज खुल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। माँ मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए आगे की पढ़ाई के लिए, फिर देखना मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा माँ। पैसे की बात अपने भाई से कर बेटा, तुझे अच्छे से पता है ना, तेरी फीस तो तेरा बड़ा भाई ही देता है। अनुज सुरेश के पास जाता है। भैया मुझे कुछ काम है, आऊं क्या आपके कमरे में? हाँ आ जा, बता क्या बात है। भैया वो इस सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स को विदेश पढ़ने भेजा जा रहा है, उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा फीस है, मुझे भी विदेश पढ़ने जाना है ताकि मैं भी काबिल बन सकूं। ए जी सर यहाँ ना। हाँ आया। एक मिनट रुको अनुज, अभी आता हूँ, तेरी भाभी को कुछ काम है, मैं बस अभी सुनकर आया। भाभी मेरी हर बात में टांग अड़ा देती है, अब पता नहीं भैया को कौन सी पट्टी पढ़ाएंगी, अब तो लगता नहीं कि भाई पैसा देंगे। तभी सुरेश बाहर आता है और अनुज से कहता है। हाँ अनुज अब बताओ क्या कह रहे थे। वो विदेश के लिए एक्स्ट्रा फीस चाहिए मुझे। अरे नहीं भाई नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे विदेश में पढ़ने भेज पाऊँ, चुपचाप यहीं के किसी कॉलेज में पढ़ ले, मेरे पास कुछ सेविंग भी नहीं है, अगर तेरी पढ़ाई पे ऐसे ही पैसे उड़ा दूंगा तो घर कैसे चलेगा बोला, तू यहीं पढ़ ले। अरे पर भैया मेरी बात तो। अरे बहस मत कर, एक बार बोल दिया ना मैंने नहीं मतलब नहीं, और अब इस बारे में कोई बात नहीं सुननी मुझे। ठीक है भैया। अनुज कमरे से बाहर चला आता है और मन ही मन सोचता है, जरूर भाभी ने ही मना किया होगा इनको, वरना आज से पहले भैया ने मुझे कभी मना नहीं किया, मैं तो समझता था कि भाभी माँ समान होती है, पर माँ सिर्फ एक ही हो सकती है। अनुज मंदिरा से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अब उसके साथ तमीज से पेश आना भी बंद कर देता है। देवर जी आपके मोबाइल में रिचार्ज है क्या? हाँ क्यों क्या हुआ? जरा दीजिए ना, मुझे अपने घर बात करनी है, मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गई है, फोन नहीं लग रहा, बस थोड़ी देर के लिए चाहिए। हाँ लीजिए मोबाइल भी ले लीजिए, इस घर में तो सब आपका ही है, अब आपका ही तो हुक्म चलता है इस घर में। ये आप क्या बोल रहे हैं? ओहो माफी चाहूंगा, अब तो बोलने से पहले भी आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? हाँ तो आप ही बता दीजिए कैसे बात करूं? आप मुझसे कुछ खफा है क्या? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? अरे भला आप कैसे गलती कर सकती हैं? और मेरी क्या औकात आपसे खफा होने की? आप परेशान मत होइए, ये पकड़िए फोन और बैठकर बात करिए आराम से। अनुज मंदिरा के हाथ में फोन थमा कर वहां से चला जाता है। पता नहीं देवर जी को क्या हो गया, आज से पहले तो उन्होंने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं करी। अब अगले दिन जब अनुज लीलावती को किसी काम से बुलाता है, उसी समय मंदिरा भी बुला लेती है।
माँ मेरी ब्लैक टी शर्ट नहीं मिल रही, देखो ना कहाँ है। माँ जी जरा किचन में आइए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ आती हूँ बहू। पहले मैंने माँ को आवाज दी थी पर फिर भी माँ भाभी के पास चली गई। अब तक तो सिर्फ भाभी ने भैया को छीना था, अब ये मेरी माँ को भी मुझसे छीनना चाह रही है। अनुज गुस्से में तिल मिलाते हुए किचन के पास पहुँचता है और चिल्लाने लगता है, भाभी बस करिए, कम से कम मेरी माँ को तो मेरा रहने दीजिए। अरे क्या हो गया बेटा, मैंने भी आपको बुलाया था पर आप तो मेरे पास नहीं आई, भाभी के पास चली गई। अरे क्योंकि बहाने मत दीजिए माँ। पूरी बात तो सुनिए देवर जी, आप हमारे बीच में ना बोलो, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। तभी सुरेश वहाँ आता है और अनुज को बताता है कि उसकी फीस विदेश में पढ़ने के लिए जमा कर दी गई है। अरे रहने दीजिए भैया, क्यों मेरे चक्कर में भाभी से पंगा ले रहे हो। कैसे बात कर रहे तू, पागल हो गया क्या, इसमें पंगे की बात कहाँ से आई। क्योंकि जब मैंने आपसे पैसे मांगे थे तो बीच में आपको बुलाकर भाभी ने ही तो मना किया था, क्यों अब क्या हो गया। अरे पगले तो बिल्कुल गलत समझ रहा है, उसने मुझे किसी और बात के लिए बुलाया था और उस दिन मैंने तुझे अपनी मर्जी से मना किया था, और अब जो ये तेरे पैसे जमा किए ना, वो तेरी भाभी ने ही जमा किया है, और वो भी अपनी सोने की अंगूठी बेचकर, क्योंकि वो चाहती है कि तू पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। क्या पर क्या पर बोलना क्या हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाभी मुझे आप लोगों से दूर कर रही है, पहले आप लोग मेरी हर बात मानते थे पर इनके आने के बाद आप लोगों ने मेरी बातें मानना छोड़ दिया, और उस दिन हम लोग मूवी जाने वाले थे तो आप इनके साथ चले गए। अरे तू घर का छोटा है इसलिए हमने तुझे सिर पर चढ़ा रखा था, बहू आकर तुझे सही रास्ते पर लाई है इसलिए तुझे बुरा लग रहा है। सुबह जल्दी उठना, नाश्ता करना, अच्छी आदतें होना, ये तो अच्छी बात है ना। और कई दिन से भाभी की मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी, 2-3 दिन से उन्हें देखने जाना था, मैं भूल गया और तुझे मूवी के लिए हाँ कह दिया, तो वो मेरी गलती है इसकी नहीं। आपने मेरे बारे में कितना गलत सोच रखा है देवर जी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आप मेरी भलाई की बात कर रही थी और मुझे वो बुरी लग रही थी। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू फॉर द फीस। पैर छूकर माफी मांग। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह सच है कि माँ एक ही होती है, पर आज मेरे समझ में आ गया कि भाभी में हमें दूसरी माँ की परछाई मिलती है। और इसके बाद उन लोगों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो जाती है और फिर अनुज विदेश पढ़ने चला जाता है।